सब और आप सबकी अकाउंट्स की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी काफी अच्छी तैयारी अब तक होगी होगी जिस तरीके से मैंने आपको शेड्यूल बताया था। तो चलिए आज मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, अगर आपने वो नहीं किए तब तो आई डोंट नो क्या होगा, आपके कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपने कर लिए तो आपका बेड़ा पार है अकाउंट्स में, आप लोग पास हो जाएंगे। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने ये टॉपिक्स किए हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कंपैरेटिव या कॉमन साइज जो आपका चैप्टर है वो जरूर कर लीजिए। उसमें बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का जो है और बैलेंस शीट ये चीजें और फिलअप्स की फॉर्म में ये आ सकता है। ये तकरीबन आपको 4 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स अगर आपके यहाँ पे काउंट हो जाए। नेक्स्ट हम करें कैश फ्लो। कैश फ्लो में से आपको क्या करना है, वो वाले क्वेश्चन ट्राई करनी है एक बार जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, किस चीज के बारे में, स्पेसिफिकली प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में या मशीन या किसी फिक्स्ड एसेट के बारे में, एंड देन प्रपोज डिविडेंड। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने 6 मार्क्स यहीं पे सिक्योर कर लेते हैं। 6 एंड 4 अभी तक आपने 10 मार्क्स यहीं पे सिक्योर कर लिए, क्योंकि कैश फ्लो 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरे को कैसे पता, अरे पिछले क्वेश्चन पेपर्स भी यही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एडमिशन। मैंने बोला था एडमिशन या रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन जरूर करना है, एक चैप्टर आपको इन दोनों में से जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से सीधा एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लेज आता ही आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एडमिशन कर रहे हो या रिटायरमेंट कर रहे हो, अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो कैसे का क्वेश्चन करना, उसमें आप कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक जरूर कर लेना। जर्नल एंट्रीज, गाइस पिछले कुछ सालों से सीबीएसई जर्नल एंट्रीज पूछ रही है, तो जर्नल एंट्रीज की तरफ ध्यान जरूर देना। ठीक है, देन लेजर बनाने में पूछ सकते हैं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंटेंट बैलेंस शीट, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर्स का, तो आपको पता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स कर लिया तो आपका डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आपके बहुत इजी लगेगा। ठीक है, शेयर्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं क्योंकि हर बार आता है, और इसमें बेसिकली प्रोराटा अलॉटमेंट और उसके बाद जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं एंड देन उनका री इशू, यहां तक ये 3 पार्ट्स आपको शेयर्स के फुल फ्लेज क्वेश्चन में करने हैं। अगर आपने ये कर लिया आप अपने 8 नंबर फिर से सिक्योर कर लेते हैं। आगे डेथ का एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं जिसमें ये टॉपिक्स हो, एग्जीक्यूटिव्स नॉन अकाउंट, ठीक है, मतलब आपको एग्जीक्यूटिव्स नॉन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ कि आपको एग्जीक्यूटिव्स नॉन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप पड़ गए तो फंस जाओगे। ठीक है, तो अभी हम पासिंग मार्क्स की जस्ट बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स नॉन अकाउंट अभी आप छोड़ दीजिए, आप कर लीजिए इसमें एंट्रीज, क्योंकि जर्नल एंट्रीज सीबीएसई बार बार पूछ रही है, एंट्रीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट डिजीज अकाउंट आ सकता है और डिजीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये डेथ अगर आप कर लेते हो, ये वाले टॉपिक्स एग्जीक्यूटिव नॉन अकाउंट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन जो पीछे है ये कर लेते हो तो आपके 6 मार्क्स इजी पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनपीओ जो है इसमें से आपको 3 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो आप इसे एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि पिछले काफी कुछ ईयर्स से ये आया नहीं है, तो आई थिंक ये आ सकता है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके काफी मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, और मतलब यहाँ तक आपके हो गए 4 मार्क्स का आपको आएगा कंपेरेटिव का। ठीक है, कंपेरेटिव अगर आप कर लेते हो 4 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो गए, कैश फ्लो में से 6 मार्क्स सिक्योर हो गए, यहाँ तक हो गए 10 मार्क्स टोटल। ठीक है, एडमिशन का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो यहाँ पे हो गए आपके 18 मार्क्स, देन आपको शेयर्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो आपके यहाँ पे हो गए 26 मार्क्स, डेथ का 6 मार्क का क्वेश्चन आना है तो 32 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, और एनपीओ का अगर हम 3 या 6 में से 3 को ही मान के चले, 3 मार्क के चले तो 32 + 3 = 35, यहां तक का आपका पासिंग क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप फिर भी थोड़े से एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर कर सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, रेशियो
दिया है, बस इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं। हाँ, फॉर्मूलाज में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूलाज की एक लिस्ट अलग से बना लीजिए, उसमें से एक बार रट्टा लगा लीजिए उन फॉर्मूलाज को। 4 मार्क्स का ये आ गया तो आप 39 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेते हो, 33 तक का पासिंग है, 39 तक के बाद हो गई तो आप पास हैं। सो आई होप अगर आपने ये टॉपिक्स देख लिए आप लोग पास हो जाओगे। आप इन टॉपिक्स को जरूर अपना एक बार चेक कर लीजिए, इनमें से जो कुछ भी आपको नहीं आता, ये तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो किसी भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाने चाहिए, तो इनमें से कुछ भी आपको नहीं आता उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। बाकी जनरल एंट्रेंस के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा, और चैप्टर वाइज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं तो आप इन्हें भी जरूर देखिएगा। आई होप मेरी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा प्लस टू स्टूडेंट्स तक फैला दीजिए, ताकि दिन आपके पास आज का ही है, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प लेके पास हो सके और उनका भी कुछ बन सके, ठीक है। तो और इसके अलावा आज आपको मैं अपने चैनल पे एक वो वीडियो भी बताऊंगी, वो वीडियो भी शेयर करूंगी, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और आपको रीडिंग के 15 मिनट्स किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आज शाम की वीडियो और आने वाले आगे लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।